नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। आर्यन खान केस में सियासी चाल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सियासी आरोपों के बीच समीर वानखेड़े पर एनसीबी विजिलेंस की जांच की आंच पहुंच गई है। वहीं इस मामले में 26 अक्टूबर को कोर्ट में जमानत पर सुनवाई भी होनी है और सवाल ये है कि अब एनसीबी इस मामले में क्या करेगी। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। मुंबई ड्रग्स केस में अब नया मोड़ सामने आ गया है। एक गवाह ने अपना बयान क्या बदल दिया, हंगामा मच गया। प्रभाकर सईल जो एनसीबी का गवाह था, कोर्ट में अपना दूसरा हलफनामा दिया जिसमें कहा गया कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को पैसे देने की बात उसने सुनी थी, जिसके बाद इस मामले ने 360 डिग्री का एंगल लिया और अब जो जांच आर्यन और उसके साथियों के खिलाफ चल रही थी, वही जांच समीर वानखेड़े की तरफ घूम गई। समीर वानखेड़े पर आरोप क्या लगे, पूरा बॉलीवुड गैंग और उनके शुभचिंतक एक सुर में चिल्ला उठे। समीर को निशाना बनाया जाने लगा। वहीं इन आरोपों को लेकर एनसीबी में भी हलचल तेज हो गई। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह, जो विजिलेंस विभाग के भी प्रमुख हैं, उन्होंने विजिलेंस जांच की बात कही। वो समीर वानखेड़े से पूछताछ करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही मामले में कथित गवाह रहे प्रभाकर से भी पूछताछ होगी। ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, एक स्वतंत्र गवाह ने अफिडेविट के माध्यम से सोशल मीडिया पर कुछ तथ्यों को प्रसारित किया था। उसका संज्ञान लेते हुए महानिदेशक एनसीबी ने विजिलेंस को इंक्वायरी मार्क की है। जांच के आदेश हुए हैं। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। एनसीबी की टीम इस केस से जुड़े उन लोगों से पूछताछ करेगी जिनके नाम एफिडेविट में लिखे हुए हैं, जिसमें प्रभाकर सैल खुद भी हैं। एनसीबी की विजिलेंस टीम सैम डिसूजा, किरण गोसावी जो अभी तक फरार हैं, शाहरुख के मैनेजर पूजा डडलानी से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि प्रभाकर ने आरोप लगाया कि उसने किरण गोसावी और पूजा से पैसों के बारे में बातचीत होते देखा था। एनसीबी की अधिकारी सालेकर से भी पूछताछ होगी, जिसने प्रभाकर से ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए थे। इस मामले में सबसे पहले समीर वानखेड़े से उनका पक्ष जाना जाएगा। इसके साथ ही सभी लोगों के बीच की सीडीआर को भी एनालिसिस किया जाएगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर इस मामले में एनसीबी से कहाँ चूक हुई और बाजी पलट गई। दरअसल प्रभाकर सैल जो एनसीबी का गवाह था, लेकिन वो आखिरी वक्त में पलट गया। 26 अक्टूबर को इस मामले में आर्यन की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। ठीक उससे दो दिन पहले गवाह का अपने बयान से मुकर जाना कई बातों की तरफ इशारा करता है। आपको इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आर्यन केस में अनन्या पांडे जो चक्की पांडे की बेटी है, वो आरोपी है और अनन्या पांडे से हुई व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही एनसीबी आर्यन की जमानत का विरोध करती रही है, साथ ही सफल भी होती रही। ऐसे में अनन्या का एनसीबी कार्यालय में आकर बयान दर्ज कराना, फिर घर चले जाना, उसके एक दिन बाद प्रभाकर का बयान से मुकर जाना, कहीं न कहीं कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है। वहीं ड्रग्स केस में आरोपों में घिरने के बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पलटवार किया है। समीर वानखेड़े ने सेशंस कोर्ट में कहा, जब से क्रूज ड्रग्स केस आया है तब से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वानखेड़े ने यह भी कहा कि उन्हें धमकी दी जा रही है और जांच पर असर डाला जा रहा है। वानखेड़े के मुताबिक उनकी मृत माँ, पिता और परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। वानखेड़े ने गवाह प्रभाकर सईल के आरोपों पर कहा कि क्रूज ड्रग्स केस के गवाहों को धमकाया जा रहा है। समीर वानखेड़े ने फर्जी सर्टिफिकेट के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि यह गलत आरोप हैं और पहले से शादीशुदा होने को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, पहले जानकारी निकालनी चाहिए थी। ये निहायत घटिया आरोप है, ओछी हरकत है, तथ्यहीन आरोप हैं। जिस औरत का तलाक हो चुका है, उसके फोटो किसके परमिशन से वायरल हो रहा है, एक तलाकशुदा महिला को भी नहीं छोड़ा जा रहा। विजिलेंस जांच जारी रहने तक मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, इस सवाल के जवाब में ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि अभी इस पर कमेंट करना जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा कि जांच के टाइम लिमिट के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तो जांच शुरू हुई है, गवाहों से भी बात करेंगे,
उसके बाद किसी भी निर्णय पर पहुंचा जाएगा। समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने से पहले कई सवाल हैं जिनका जवाब खोजना बहुत जरूरी है। समीर वानखेड़े एक IRS ऑफिसर हैं जहां एक एक कागजात की जांच सावधानी से और बारीकी से की जाती है। दूसरा सवाल ये कि क्या समीर वानखेड़े के बारे में नवाब मलिक को तब पता चला जब उन्होंने शाहरुख के बेटे को गिरफ्तार किया, जबकि समीर 2008 बैच के UPSC अधिकारी हैं। लगभग 13 साल बाद उनके प्रमाण पत्र पर सवाल उठाना ही एक बहुत बड़ा सवाल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल TV के साथ। जय हिंद।